समझाने के लिए मेरे पास कुछ पेपर होंगे और इनसे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। आज भी हम शीट मेटल के जॉइंट्स की बात करेंगे। शीट मेटल्स में जॉइंट कैसे लगाते हैं, शीट मेटल के किनारों को मोड़ के हम जॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम दो तरीके की बात करेंगे, एक करेंगे सीमिंग, एक करेंगे हेमिंग, इन दोनों की बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। सीमिंग, देखिए हमने मोड़ तो दिया, शेप दे दी शीट मेटल को। मान लीजिए आपको इस तरीके से कोई बाल्टी का एक बॉडी बनानी थी, ये बनानी थी। इसकी शीट कैसी काटनी पड़ेगी आपको, इसका ब्लैंक यानी कि शीट जिसमें से ये मुड़ेगी ऐसी काटनी पड़ेगी। ये ड्राइंग वाले बताएंगे, डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस कहते हैं इसको। मतलब इस पूरी बाल्टी को अगर आप बिना सरकाए एक पूरा चक्कर दे दो तो आपको बाल्टी ऐसे घूमती दिखाई देगी। इसको जब मोड़ेंगे तो बाल्टी की शक्ल आ जाएगी, ये है इसका मतलब, ठीक है ना। आपने इसको हमने आप पढ़ लिया था, वो उसका नाम था क्या था भाई, फनल स्टेक। फनल स्टेक मैंने बता दिया ना, फनल स्टेक पे आपने इसको रख रख के हथौड़े से ऐसे मोड़ तो दिया, ये शेप तो दे दी, लेकिन ये दो किनारे आके आपके सामने ऐसे आ गए हैं। अब इसको लॉक भी तो करना है, इसे बांधना भी तो है। इसको हम कहते हैं सीमिंग, सिलाई। सीमिंग सिलाई को कहते हैं। इसकी सिलाई लगानी है ना, कपड़ा तो है नहीं, इसकी सिलाई लगानी है, तो वो कैसे लगाई जाएगी वो यहाँ पड़ेंगे। दूसरा हेमिंग क्या होता है, ये बहुत पतली पतली चादरें होती हैं, कनस्तर आपने देखे होंगे। जब तक हम इस किनारों को, जो ऊपर वाले किनारे हैं, मतलब ये वाला किनारा बाल्टी का भी, ये वाला किनारा आप देखेंगे यहाँ पर मोटा करा होता है, ऐसे घुमाया होता है, उसको ऐसे घुमा के उसको हम हेमिंग कहते हैं। जब हम जॉब के किनारों को घुमा देते हैं, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, एक तो चोट लगने का संभावना कम हो जाती है, दूसरा मजबूती आ जाती है, इसमें स्ट्रेंथ आ जाती है, थोड़ा मोटा हो जाता है, वरना अगर इसको सीधा ही खड़ा कर दें तो जब हैंडल से उठाएंगे तो पिचक जाएगी ना बाल्टी। तो स्ट्रेंथ आ जाती है, मजबूती आ जाती है, और इसमें चोट लगने की संभावनाएं खत्म हो जाती है, ठीक है। तो हेमिंग और सीमिंग हम ये पढ़ेंगे। पहले सीमिंग की बात कर लेते हैं। हम दो किनारों को आपस में जोड़ेंगे। सीम के लिए हमें ग्रूव बनाने पड़ते हैं बेटा, अभी बता रहा हूँ इसका क्या मतलब है। ग्रूव मतलब चादर के अंदर ही उसको मोड़ कर हमने कोई नाली जैसी चीज़ बना दी, उसको ग्रूव कहते हैं। बेंड करना पड़ेगा किनारों को ताकि उसमें कोई दूसरा किनारा अटका सके, ठीक है। तो ग्रूव बनाने पड़ते हैं और फिर उस ग्रूव को एक ग्रूवर की मदद से पक्का करना पड़ता है, क्लोज। मतलब उसे पीट के बंद भी तो करना पड़ेगा, अगर खुले खुले रह गए तो निकल नहीं जाएंगे वो वापस, उन्हें पक्का भी तो करना पड़ेगा ना, हैमर से चोट मार मार के। लेकिन एक ऐसा हमारे पास औजार होना चाहिए जो सिलाई सीधी करे। खाली हैमर से मारोगे तो कहीं से तो वो निकल जाएगा, कहीं से वो फंस जाएगा, फिर तो खराब हो जाएगा ना। एक होती है ग्रूविंग, उसको ग्रूवर की मदद से किया जाता है, ग्रूवर होता है वो टूल का नाम, और ग्रूविंग होता है वो ऑपरेशन। ग्रूव होता है वो जगह जहाँ पे हमने बेंड कर रखा है, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं। पहला होता है इसमें सीम, सिंगल ग्रूव के लिए। आप ऐसा समझें कि ये बाल्टी का किनारे ये दो थे हमारे पास, ऐसे, ठीक है, ऐसे थे। इसमें तो हमने ऐसा बना रखा है ग्रूव अंदर, और इसमें हमने ऐसे बना रखा है बाहर, ऐसे। हमने क्या करा, इस वाले हिस्से को इसमें अटका दिया। अब हमें ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? इसको कहेंगे सिंगल ग्रूव। मतलब मान लो ये शीट मेटल है, ये तो कागज है, शीट मेटल तो इससे ज्यादा टफ होगा। तो हमने एक तो बनाया किनारा ये, और एक बनाया ये, और जब हमने इसको मोड़ के शेप दी तो हमने इसको ऐसे फंसा दिया इसके अंदर। ये आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला ऐसे और अंदर वाला ऐसे घूम के, तो वही मैंने यहां पर दिखाया, ऊपर वाला ऐसे अंदर वाला ऐसे, ठीक है। तो ये आपका एक जॉइंट लग गया ना। उसके बाद ये जो सीम आपके पास आई है, इसके ऊपर एक ग्रूवर नाम की चीज होती है, उसको रख के ऊपर हथौड़े मारते हो और ग्रूवर को आगे करते जाते हैं, ये सीम पक्की हो जाती है। शीट मेटल अगर ये होता तो एक बार आपने इसको दबा दिया, फिर खुलने की गुंजाइश कम हो जाएगी ना, फिर तो नहीं खुलेगा अपने आप। इस तरीके के हम जॉइंट लगा देते हैं, आसान था ना ये मामला, ठीक है, ओके। अगला आता है डबल ग्रूव, ये समझ गए बेटा। अब यहीं पे ये भी समझा दूं, अभी तो ये सीम ऐसी दिखाई देगी जब हमने अटकाई है इसको, फंसाई है सिर्फ, ठीक है। इसके बाद एक ग्रूवर आता है, वो उसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी बेटा, ऐसी। तो एक बार ये इसके अंदर ग्रूव बना हुआ है, ये ऐसा ग्रूव बना हुआ है, एक बार इस ग्रूव को यहां पर फंसा के हथौड़ी मारेंगे तो यहां पर पिचक जाएगा ये माँ, फिर इसको थोड़ा सा ऐसा करके उधर से हथौड़ी मारेंगे तो यहाँ से भी पिचक जाएगा। उसके बाद हम इस ग्रूवर को इसमें फंसा के कोने में तो ऐसा करते हैं, उसके बाद इसको आगे सरकाते रहते हैं, तो ये पूरी लाइन में इसको दबाता हुआ चला जाता है, मतलब कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलेगी। खाली हथौड़ा चलाओगे तो ऐसा हो सकता है पीछे से दबना शुरू हो जाए, आगे से वो खुलना शुरू हो जाए जॉइंट, लेकिन ग्रूवर में फंस के वो आगे खुलने नहीं देता है उसको। अगला है आपका नंबर टू, डबल ग्रूव। डबल ग्रूव
डबल प्रूफ कैसा होता है, अब आप इसको समझना शुरू कर देना, एक किनारा तो आपका ये था, दूसरे किनारे में भी हमने ऐसी ही एक जॉइंट बनाया है, मतलब ये हो सकता है ये कोई चकोर आपका बॉक्स हो जिसके दो किनारों को आपने ऐसे दोनों एक ऊपर की तरफ ही है, उसमें तो एक ऊपर एक नीचे था, इसमें दोनों ऊपर ही हैं, और अलग से एक पत्ती ऐसे लगा रखी है। ये आपने देखा होगा दीवारों में पैनल करते हैं ना, बीच में चैनल जैसी कोई चीज़ लगाते हैं, उसमें फंसाते हुए चलते हैं, अगला इसमें फंसाते हैं, फिर अगले में फिर एक पत्ती में दोनों फंसा के एक पूरी पैनल या ऊपर की रूफ छत पे भी हम ऐसा करते हैं, जैसे फॉल सीलिंग में आपने देखा होगा बीच में एक अलग से ये वाली पत्ती लगा के दोनों तरफ के पैनल उस पर फंसाए जाते हैं, बात समझ में आ रही है। शीट मेटल में भी हम ऐसा करते हैं, इसको क्या कहेंगे, सिंगल ग्रूव और डबल ग्रूव में समझ में आ गया, सिंगल ग्रूव ये भी सिंगल ग्रूव है, ये भी सिंगल ग्रूव है, लेकिन अगर इस तरीके का कोई डिज़ाइन बना रखा है आपने तो वो डबल ग्रूव हो गया। अब एक इससे अगला है वो थोड़ा मज़ेदार है, उसका नाम है डबल सीम, यस डबल सीम। ये कैसा होता है, यहां तक तो समझ में आ गई बात, देखो सिंगल ग्रूव कैसा था, ऐसा था, एक पार्ट ये आया दूसरा पार्ट ये आया, डबल सीम में क्या कर रहे हैं, एक पार्ट सीधा खड़ा हुआ है और उसमें एल शेप का हमने एक बैंड दिया और एक पार्ट में हमने ग्रूव बनाया, उसके बाद इस पूरी चीज को हम यहां से हथौड़े मार के इस पे चिपका देते हैं, मतलब ये कैसा दिखाई देगा आपको, ऐसा, मतलब हमने जो चीज ऐसे थी ना उसको इसके साथ बिठा लिया, ऐसा समझो ये तो है डब्बा, ये डब्बा है और ये है इसका बॉटम, बॉटम में हम ऐसे सील करते हैं, या तो ये यहाँ दिखाई देगा आपको चढ़ा हुआ या ये नीचे की तरफ आपको चढ़ा, मतलब हो सकता है हमने इसको नीचे की तरफ मोड़ दिया हो। तो जब हम तलियां लगाते हैं ना शीट मेटल में तब हम डबल सीम का प्रयोग करते हैं। डबल सीम क्यों कह रहा हूँ, एक बार तो हमने इसको ऐसे करा ग्रूवर से ऐसे बंद करा, फिर दूसरी बार इसको सीम को यहाँ पर मिला दिया ऐसे, तो दूसरी बार ग्रूवर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसको डबल सीम कहेंगे, ठीक है ना। इसमें ये वाला जो नीचे वाला चीज़ है आपकी, ये तो फंस गई क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, ये कैसे निकल जाएगी, और ये भी फंस गई, निकलेगा नहीं ना, जॉइंट नहीं निकलेगा, ठीक है। और इसमें क्योंकि दो बार आपने ग्रूवर का प्रयोग कर लिया तो अंदर जो भी भरा हुआ है उसकी लीकेज भी नहीं होती है, यहाँ से लीक होने की संभावना भी कम होती है, बिल्कुल समझ में आ रही है ना बात, वेरी गुड। तीन हो गए, अब चौथे की बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, थोड़ा दिमाग खोल के रखना, उसको कहते हैं डवटेल सीन। डव किसको कहते हैं, आपने कभी बत्तख देखी है, मतलब बत्तख के पीछे के ऐसे पंख ऐसे फैले रहते हैं, देखा है कभी ऐसे, ये डव टेल पूंछ, वही नाम है इसका डव टेल। ये कैसे आपको दिखाई देगी और ये कहाँ पर यूज़ करते हैं हम इसको, जैसे शीट मेटल में मान लो आपको कोई कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन की बात पता हूँ क्या, कनेक्शन किसको कह रहा हूँ मैं, मतलब एक पाइप है उसके ऊपर एक फ्लैंज लगा हुआ है, ठीक है, इसको हम कनेक्शन कह रहे हैं। इसकी सीम यहाँ पर, इसको लॉक कैसे किया जाए, ये है समस्या हमारे साथ। तो उसके लिए हम डवटेल का बहुत प्रयोग करते हैं। मोटे मोटे तौर पर आपको बताऊँ डवटेल क्या होती है, देखो बहुत आसान तरीके से तुम्हें बता सकता हूँ मैं डवटेल क्या होती है। अब मान लीजिए आपको ये दो पेपर जोड़ने थे, आपके पास पिन भी नहीं है गोंद भी नहीं है, लेकिन जोड़ने हैं इकट्ठे रखने हैं, तो मैंने क्या करा इसमें इस तरीके से इसको काट लिया, इसके वो हैं, ठीक है ना। अब एक को इधर मोड़ दूँ, 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 बिना पिन के मैंने जॉइंट तो लगा दिया। एक और तरीका है इसका अच्छा, जैसे फाइल में रखने थे आपको दो पेपर, आपको ये शक है कि कहीं फाइल बार बार उठेगी निकलेगी तो एक पेपर निकल ना जाए, दोनों साथ रहने चाहिए पेपर, तो ऐसे भी नहीं अगर आपको करना है, अभी तो ये दोनों पेपर अलग है ना, आप क्या करें इसको ऐसे मोड़ दें और यहाँ पर बस दो कट लगा दें, एक और दो, एक को इधर मोड़ दें एक को इधर मोड़ दें, अब ये दोनों पेपर इकट्ठे रहेंगे, है ना, इसको डवटेल कहते हैं हम। अब इसको समझो, इस डवटेल की शक्ल डव के टेल जैसी होती है इसलिए उसको डवटेल कहा। अब हमारे पास भाई ये पाइप था, इस पाइप में हमने बराबर बराबर ऐसे ये काट रखे, मतलब इसमें कट मार रखा है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, एक छोड़कर एक इसको 90 डिग्री पे ऐसे झुका देंगे, मतलब जैसे ये वाला जो टैब था ये अब टैब आपको ऐसा दिखाई देगा यहां पर, और यहां पर खाली जगह दिखाई देगी, फिर इसको खड़ा रहने दो, ये वाला टैब कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, समझ में आ गई बात, ये वाला टैब कैसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। अब इसके ऊपर हमें लगाना है फ्लेंज, फ्लेंज में कटा होगा एक होल, ये होल इसी साइज का होगा जो पाइप का है, इस फ्लेंज को इसके अंदर पहना दोगे तो ये फ्लेंज यहाँ आके बैठ जाएगा आपको कहीं,
बैठ जाएगा, नहीं बैठ जाएगा, यहाँ पर आगे बैठ जाएगा। तो जो आपने बिछाए थे उनके ऊपर फ्लैंज आगे बैठ गया, अब जो खड़े हैं उसको फ्लैंज के ऊपर कर दो। मतलब अब जो खड़े वाले टैब ऊपर से ऐसे बंद कर देंगे, अब फ्लैंज ना तो ऊपर निकल सकता ना नीचे जा सकता। तो ये लॉक हो गई या नहीं होगी दोनों चीज़ें, इसको कहते हैं डवटेल। अब एक और है मज़ेदार पाँचवा, उसको कहते हैं स्लिप जॉइंट। इसको क्या कहेंगे, स्लिप जॉइंट, नाम से ही पता चल रहा है स्लिप होके चलेगा। आपने आमतौर पे अलमीरा इस मतलब मेज़ के ये जो बॉक्सेस बने रहते हैं ना इसमें देखा होगा, ये उसमें क्या होगा, एक ग्रूव तो ऐसे बना होगा, दूसरी तरफ एक ग्रूव ऐसे बना होगा, और यहाँ पर कोई ट्रे, इस तरह की कोई ट्रे ऐसे इसमें फिसलेगी अंदर बाहर। बस इसको हम लॉक नहीं करते, ग्रूवर से इसको लॉक नहीं करते, इसको ढीला रखते हैं, समझ में आ रही बात। इसमें ये ट्रे ऐसे बाहर निकलेगी अंदर जाएगी, आपने आम तौर पर अलमारी में ऐसा देखा होगा या कबर्ड में जो नीचे बॉक्स बने रहते हैं उसमें ऐसा देखा होगा। ये वाले जो जॉइंट हैं इनको हम क्या कहेंगे, स्लिप जॉइंट, क्योंकि ये स्लिप होके चलेंगे, स्लिप होके अंदर जाएंगे, स्लिप होके बाहर चलेंगे, आप समझ गए ना। ये कबर्ड का यहाँ पर एक हैंडल लग रहा होगा, जिस हैंडल को पकड़ के हम अंदर बाहर करते हैं, अरे जैसे इस टेबल पर ये लग रहा है ना, इसी की बात कर रहा हूँ। तो इसके दोनों किनारों पर जो जॉइंट है, जो सीम है, वो हम स्लिप जॉइंट सीम कहते हैं उसको। अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं सारी की सारी सीम, इसके बाद ग्रूवर करने की आवश्यकता पड़ेगी स्लिप जॉइंट के अलावा। स्लिप जॉइंट में अगर आपने ग्रूवर लगा दिया फिर तो फंस जाएगा ना, अंदर बाहर नहीं होगा, उसको तो स्लिप करना है, लेकिन बाकी सारे उसको हमें ग्रूवर की जरूरत पड़ेगी, हैमरिंग की जरूरत पड़ेगी, ताकि हम उसको लॉक कर सकें। जैसे डवटेल को ग्रूवर से नहीं करते, उसको किसी स्टेक पे रख के ऊपर से हथौड़े मारेंगे ताकि नीचे और ऊपर वाले टैब के बीच में वो फ्लैंज फंस जाए, जो फ्लैंज है। ये बात समझ में आ रही है आपकी? अब जो हम बात कर रहे हैं छठा, लैप जॉइंट। जब हम एक प्लेट के किनारे को दूसरे प्लेट के किनारे के ऊपर ऐसे चढ़ा देते हैं, मतलब ये मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल आपका जॉब था, आपने कोई ग्रूव नहीं बनाया, ठीक है, ऐसे ऊपर चढ़ा दी एक प्लेट को, उसके बाद आप यहाँ पर ब्रेजिंग करें, इन दोनों के बीच में रिविटिंग करें, कैसे भी जोड़ रहे हैं, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर आके बैठ जाएगी, चढ़ जाएगी, उसको हम लैप जॉइंट कहते हैं। ये सिंपल लैप जॉइंट है, इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये, यहाँ पर आपको ब्रेजिंग या वेल्डिंग करने के लिए या सोल्डरिंग करने के लिए फिलेट जॉइंट मिलते हैं। आपने सिर्फ एक तरफ ब्रेजिंग करी है तो उसको सिंगल फिलेट लैप जॉइंट कहेंगे, दोनों तरफ कर रखी है, मतलब अंदर वाले किनारे पे भी, बाहर वाले किनारे पे भी, पूरी पूरी सीम में, समझ में आ रही है? ऐसे ऐसे है ये बेटा प्लेटें, ये प्लेटें ऐसी हैं, तो आपने पूरी यहाँ पर भी वेल्डिंग कर दी और अंदर भी वेल्डिंग कर दी, तो उसको डबल फिलेट लैप जॉइंट कहेंगे। एक तरफ कर रखी है अंदर या बाहर, तो सिंगल फिलेट लैप जॉइंट कहेंगे, ठीक। ये लैप जॉइंट कुछ और प्रकार के भी होते हैं। अगर एक प्लेट में आपने ऐसा बना रखा है थोड़ा डिप्रेशन, ताकि दूसरी प्लेट ऐसे आगे चढ़ जाए उसके ऊपर, मतलब थोड़ा ऐसा गड्ढा सा बना रखा है ताकि ये ऊपर वाली सतह आपको बराबर मिल जाए, इसको कहेंगे संक लैप जॉइंट, ठीक। ये तब करा जाता है जब हमें उसमें, तो अगर आपने देखा हो उसमें एक किनारा ऊपर जो निकला रहेगा, तो ये कोई एक सतह आपको ऊपर नहीं मिल रही है, ऊपर खावर मिल रही है ना, ऊपर नीचे मिल रही है, इसमें आपको अगर सतह ऊपर की सेम चाहिए तब आपको ये वाला जॉइंट बनाना पड़ेगा, संक लैप जॉइंट, ठीक। यहाँ तक बात समझ आ रही है? इसके अलावा इनसाइड और आउटसाइड लैप जॉइंट भी होते हैं। मान लीजिए एक सिरा आपका ऐसे आके मुड़ रहा है, दूसरी प्लेट को आपने यहाँ लगा रखा है, तो इसको इनसाइड कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने वेल्डिंग कर दी, यहाँ पर आपने ब्रेजिंग कर दी, जो भी करना है, इसको लॉक करना है या रिविटिंग कर दी, वो तुम्हारी मर्जी, बाद में क्या करना है वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमने सीम तो बना दी ना, यहाँ पर हमने जॉइंट को लॉक तो कर दिया ना एक दूसरे के साथ, और इसको हम इनसाइड कहेंगे। और अगर ये प्लेट बाहर लग रही है, ऐसे आके मिल रही है, तो इसको आउटसाइड कहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आखिरी जॉइंट, उसको हम कहेंगे बट जॉइंट, बट जॉइंट सीम। एक किनारा ये आया और घूम के दूसरा किनारा इसके सामने अगर हमने ऐसे लगा दिया, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर ब्रेजिंग करो या ऊपर और नीचे प्लेट रख के रिविटिंग करो, जैसे भी, लेकिन ये भी एक सिलाई बनी ना आपकी यहाँ पर आगे। जब दोनों प्लेटें थिकनेस पे आगे जुड़ेगी आमने सामने, उसमें कोई ग्रूव नहीं बन रहा, कोई ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहा, आमने सामने रखी है, ठीक है, तब हम उसको क्या कहेंगे, बट जॉइंट। अगर ऊपर चढ़ गई तो क्या कहेंगे, लैप जॉइंट। अगर आपने बेंड कर दिया तो उसको क्या कहेंगे, ग्रूव जॉइंट। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? इसको प्लेन बट जॉइंट, दोनों प्लेटें बिल्कुल सामने आके एक दूसरे के साथ आके ऐसे मुंह से मुंह मिला के बैठे। वेल्डिंग में ये वाला जॉइंट बहुत लगाते हैं, लंबाई जब बढ़ानी होती है ना प्लेटों की, कोई जॉब है प्लेट बाहर से आई 6 मीटर लंबी, आपका जॉब है 15 मीटर लंबा, तो उसमें प्लेट जोड़नी पड़ेगी ना आगे, तब हम यहाँ पर वेल्डिंग करते हैं उसकी प्लेट को लंबाई बढ़ाने के लिए, इसको बट जॉइंट कहते हैं। थिकनेस पे थिकनेस आगे मिलती है, ठीक, ओके। और दूसरा बट जॉइंट होता है ऐसे फ्लैंज वाला, मतलब दोनों किनारे ऊपर उठा दिए हमने, अब या तो यहाँ पर रिविटिंग कर दो या ऊपर आप वेल्डिंग या ब्रेजिंग कर दो, तो ये इसको कहते हैं हम फ्लैंज। इसको क्या कहेंगे, प्लेन बट जॉइंट, इसको कहेंगे फ्लैंज्ड।
फ्लैंज मतलब इन दोनों के फ्लैंज ऊपर की तरफ उठा रखे हैं, फ्लैंज बट जॉइंट, ठीक समझ में आ गई बात। अब ग्रूवर बताने की जरूरत तो नहीं है, ग्रूवर तो मैंने साथ में बता दिया, उस ग्रूवर की मैं शक्ल आपको बता देता हूँ, बस एक बड़ा सा डायग्राम बना दूंगा, ऐसा होता है भाई आपका ग्रूवर, ऐसा हो सकता है ऊपर से थोड़ा सा ये टेपर हो, इसके किनारे थोड़ा छोटे हो, ऐसा यहां पर हथौड़ी की चोट लगेगी ऊपर, मैलेट नहीं, मैलेट तो हम डायरेक्ट जब शीट मेटल में मारते हैं तो मैलेट, यहाँ पर तो बॉल पिन हैमर की चोट लगेगी यहाँ तो ऊपर, ठीक है। तो क्या करेगा ये नीचे जो आपने वो ग्रूव बनाया ना, ये वाला ग्रूव, और ये इसका साइज इस ग्रूव के हिसाब से बनाना पड़ेगा बेटा, ये मतलब कोई पतला ग्रूव बनेगा, कोई मोटा बनेगा, कोई मोटी चादर का, कोई पतली चादर का, तो इसकी में कितनी डेप्थ रखनी है और कितनी ये वो रखनी है वो डिपेंड करेगा आपने कितना मार्जिन दे रखा है बेंडिंग का और प्लेट की थिकनेस कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, ये भाई आपको इतना मोड़ना है, ये कितना मोड़ना है, मान लीजिए ये था 5 mm, 5 mm आपने ऐसे मोड़ दिया, ये 5 mm है, उसके बाद ये प्लेट की थिकनेस इसमें जुड़ेगी, ये प्लेट की थिकनेस जुड़ेगी, ग्रूवर तो यहाँ आके बैठेगा ना बेटा, ये प्लेट की थिकनेस मान लीजिए 1 mm, तो आपको ये वाला जो साइज है 7 mm चाहिए, 5 mm तो बेंड करा है और 1-1 mm दोनों तरफ की थिकनेस भी तो आई है, डबल ग्रूव में दुगनी हो जाएगी ये थिकनेस, क्योंकि अगर ये मुड़ के ऐसे भी चला गया तो एक थिकनेस ये वाली भी जुड़ गई, एक थिकनेस ये वाली जुड़ गई, एक थिकनेस ये वाली जुड़ गई, 5 mm का अलाउंस था तो 8 mm ये रखना पड़ेगा, 8 mm ये पूरे साइज का ही रखना पड़ता है बेटा, तभी वो सीम बिल्कुल सीधी और अच्छी आएगी आपको, ठीक है। इसको शैंक कहेंगे, इसको पूरे को ग्रूवर कहेंगे, इसको हेड कहेंगे, इसमें इसका ग्रूव है बस, इसको ग्रूव कहेंगे, इसका नाम ही ग्रूवर है, और ये क्या करता है, ग्रूविंग करता है। हेमिंग, हेमिंग हेम होता है किनारा, हेम होता है किनारा, जब हम किनारे को मोड़ते हैं ताकि एक तो शार्प कॉर्नर ना रहे उसमें हटाया जा सके और दूसरा उसमें मजबूती प्रदान की जा सके, स्ट्रेंथ दी जा सके, तो हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, या तो हम सीधा इसको ऐसे मोड़ दें बस, ये मोड़ेंगे किसमें, या तो क्रीजिंग, क्रीजिंग मैंने स्टेक बताया था ना आपको, क्रीजिंग स्टेक, उसमें इस तरीके के ग्रूव बने रहते हैं, ऐसे ग्रूव बने रहते हैं उसमें छोटे 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 छोटे, क्रीजिंग स्टेक बताया था बेटा, इसमें ये ग्रूव बने रहते हैं, उसमें क्रीजिंग हथौड़े की मदद से हम यहाँ पर शीट मेटल रख के इसको ऐसे मोड़ देते हैं, समझ में आ रही है, वही तो मोड़ दिया मैंने ये, तो कभी कभी ये प्लेन मोड़ दिया जाता है और कभी कभी अंदर सरिया रख दिया जाता है बस, अगर सरिया रख दिया या कोई तार रख दिया उसको कहेंगे वायर्ड, वायर्ड मतलब कोई अंदर तार रख के और फिर ऊपर से प्लेट मोड़ी गई है ताकि और ज़्यादा मजबूती प्रदान हो सके उसको, बाल्टियों में आमतौर पर अंदर एक सरिया रख के मोड़ते हैं क्योंकि उसमें पानी भरेगा ना 20 लीटर का, इसको कहते हैं वायर्ड हेम, और अगर आपने सिंगल बोर्ड रखी है ऐसे उसको कहेंगे हेम। अब शीट मेटल में आखिरी चीज़ जो समझने की रह गई, सीम बना दिया, हेम बना दिया, लेकिन सीम जरूरी नहीं है कि आप सीम को ग्रूवर से पक्की कर दो हर बार, हो सकता है उसके ऊपर आपको सोल्डरिंग करनी पड़ रही है, सोल्डरिंग जब हमने जॉइंट बना दिया उसके बाद भी हम उसे पक्का करना चाह रहे हैं कि वो खुले ना या उसमें से लीकेज ना हो, तब हमें उसके ऊपर एक वेल्डिंग जैसी मतलब दोनों को पिघला, ये नॉन फ्यूजन वेल्डिंग होती है बेटा, इसमें जॉब तो नहीं पिघलता, जो सोल्डर है फिलर मेटल है वो पिघल के इन दोनों को बस जमने के बाद आपस में जोड़ देता है, गोंद जैसा काम करता है वो, वैसे सॉलिड अवस्था में होगा उसको पिघला के तरल अवस्था में ला जाएगा और इन दोनों पार्ट को पकड़ लेगा वो, उसको हम क्या कहते हैं सोल्डरिंग। अब आपको जो समझना है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ उतनी बात बता रहा हूँ जो आपको समझने के लिए ज़रूरी है, सोल्डरिंग में क्या चाहिए आपको, एक तो सोल्डरिंग आयरन चाहिए जो गर्म करेगी, जो ऊष्मा प्रदान करेगी, चाहे वो बिजली का काइया हो, काइया जानते हो ना जिससे इलेक्ट्रॉनिक वाले वो, और चाहे वो हमारी कोई सोल्डरिंग आयरन हो, लोहे की कोई चीज़ जिसको हमने भट्टी में लाल कर रखा है, ठीक है। तो आपका कोई जॉइंट है, मान लीजिए ये जॉइंट है आपका, यहाँ पर आपने वो सोल्डर बिछा दिया और इसके ऊपर ला के वो गर्म गर्म रख दिया तो ये पिघल जाएगा, इस जॉइंट को ये पकड़ लेगा, इसको सोल्डरिंग कहते हैं, ये बात समझ में आ रही बेटा आप लोगों को। अब सोल्डरिंग दो प्रकार की होती है, एक को कहते हैं सॉफ्ट सोल्डर, एक को कहते हैं हार्ड सोल्डर। सॉफ्ट सोल्डर जो है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अंदर हो जाती है और ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अंदर हो जाती है, इसको 450 समझना, 450 सॉफ्ट सोल्डर, इसका गलांक 450 डिग्री है, ये आमतौर पर टिन
और लेड का एलॉय होगा, और ये होगा आपका जिंक, कैडमियम, सिल्वर, कॉपर। ये इन धातुओं का बना होगा। इसका तापमान, गलन तापमान 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपका जो मेटल, जिसको आप शीट मेटल, चाहे वो एमएस की है, उसका गलन तापमान होता है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। वो नहीं पिघलेगा, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड वाला नहीं पिघल रहा है। यहाँ जो सिर्फ आपने तार लगाया है, बस वो पिघल रहा है। वो तार हार्ड सोल्डर का भी हो सकता है, उसे हार्ड सोल्डर तब कहेंगे जब वो इन धातुओं का बना हुआ हो, कॉपर, जिंक, कैडमियम, सिल्वर। और अगर वो टिन और लेड का बना हुआ है तो उसका गलन बहुत कम होता है, उसको हम सॉफ्ट सोल्डर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब ये सोल्डर करते हुए हमें फ्लक्स की जरूरत होती है। फ्लक्स आपने देखा होगा ना, अरे वो जब इलेक्ट्रॉनिक वाला आइटम टांका लगाता है तो पहले वो किसी चीज़ में डुबोता है, उसको देखा है आपने या नहीं देखा है? या कोई पाउडर होगा, वो पाउडर लगाएगा, कोई चीज़ ऐसी होगी जिसमें हम पहले वो करके तब हम लाते हैं उसको सोल्डरिंग करने के लिए। जिस चीज़ को वो प्रयोग कर रहा है उसको कहते हैं हम फ्लक्स। फ्लक्स फ्लक्स क्या करता है? ऑक्सीडेशन से बचाता है। फ्लक्स के बहुत सारे काम हैं। ये पिघली हुई अवस्था में आराम से अंदर तक फैल जाए जॉइंट के अंदर, वो भी फ्लक्स का काम है। अशुद्धियों को बाहर निकालना भी फ्लक्स का काम है, और इसको वातावरण के ऑक्सीजन से बचाना भी फ्लक्स का काम है। ऐसे ऐसे काम करता है, वरना आपका जॉइंट कमज़ोर बनेगा अगर फ्लक्स का आप प्रयोग नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो फ्लक्स हमारे पास मोटे मोटे तौर पर चार तरीके के हैं। पहला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड मतलब ऐसा नहीं बिल्कुल कंसनट्रेटेड वाला नहीं, पानी मिला के, बहुत सारा पानी मिला के हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम फ्लक्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है हमारे पास जिंक क्लोराइड। तीसरा है अमोनियम क्लोराइड। और आखिरी है ऑर्गेनिक फ्लक्स। बेकार के ऑर्गेनिक फ्लक्स, ऑर्गेनिक फ्लक्स फैक्ट्रियों में हम आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, रेजिन में भी हो सकता है, मतलब डायरेक्ट प्रकृति से मिला हुआ भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है, लैब में बनाया भी हो सकता है। इन तीनों को आपको समझना जरूरी है। HCl याद रखना, ये सवाल आता है, ये हमेशा जिंक की चादरों पर या गैल्वनाइज्ड चादरों पर, या गैल्वनाइज्ड चादरों पर, गैल्वनाइज्ड मतलब जिन चादरों पर जिंक की हमने परत चढ़ा रखी है, सिर्फ उनके लिए इस फ्लक्स का प्रयोग होता है। ये मैंने क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, फ्लक्स, मैं फ्लक्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक या गैल्वनाइज्ड शीट पर ही प्रयोग होगा। अगला जो है ये जिंक क्लोराइड, ये नॉन फेरस यानी कि एलोह धातु पर प्रयोग होगा, जैसे टिन, टिन के लिए बहुत प्रयोग करते हैं इसको, कॉपर या ब्रास या ब्रॉन्ज, ब्रास और ब्रॉन्ज कॉपर और टिन और लेड के एलॉय हैं, या एल्युमिनियम। अगर नॉन फेरस मतलब जिसमें लोहा नहीं है, लोहे के अलावा जो और धातु हैं उनको अगर आपको जोड़ना है सोल्डरिंग से, तो सोल्डर के साथ साथ आपको जो फ्लक्स प्रयोग करना पड़ेगा उसका नाम है जिंक क्लोराइड। ठीक है, इसको किल्ड, ये भी सवाल आता है, इसको किल्ड स्पिरिट भी कहते हैं, किल्ड स्पिरिट भी इसको कहते हैं। अगला जो आपका अमोनियम क्लोराइड है, इसका प्रयोग फ्लक्स के तौर पर हम तब करते हैं जब आयरन या स्टील को जोड़ना हो हमें, किससे, सोल्डरिंग से, आयरन या स्टील। ठीक है, आज के इस लेक्चर में आप लोगों को कोई सवाल हो भाई पूछ लो। कोई सवाल है बेटा आप लोगों का? अरे पूछा करो यार। चलिए तो फिर आज इस लेक्चर को यहाँ पर रोक दें। बेटा समझ में आ गई आपको सारी बात? थैंक यू वेरी मच।